Cause I just wanna go, go, go to the deep end. टेक्नोरोज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपके लिए पांच ऐसे कमाल के प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग एप्स लेके आया हूँ जो आपके फोटोज में चार चांद लगा देंगे। और इनकी खासियत ये है, सारे के सारे ऐप्स फ्री है, कोई खर्चा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर के लिंक दिया हूं, वहां पर जाके आप इंस्टॉल करिए। और देखिए दोस्तों, मैं ये सारे ऐप्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल फोन्स में कैमरा बहुत ही कमाल का हो गया है। उसके बाद भी हमें एक टच देना पड़ता है जहां पर आपकी फोटोज थोड़े और ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, और ये सारे ऐप्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला ऐप ये है स्नैपसीड। मैंने पहला इसलिए रखा हूं क्योंकि मैं पर्सनली इसका इस्तेमाल करता हूं, और जब भी मुझे अपने कोई भी पर्सनल फोटोज यहां वहां अपलोड करना होता है, मैं इसी ऐप को ओपन करके उसको हल्का सा टच देता हूं। और इस ऐप में इतने सारे फीचर्स है, क्या इसकी कोई हद नहीं है। पहले तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे, सामने ही आपके नीचे की साइड बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, उसी से ज्यादातर लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन स्टिल उसके बाजू में अगर आप टूल्स पर जाते हैं तो यहां पर इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि अलग अलग तरीके से आप अपने फोटोज में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है ट्यून इमेज। इसमें मैं जैसे ही जाता हूं, मुझे यहां पर ब्राइटनेस, सैचुरेशन, हाईलाइट्स, शेडोज, एम्बियंस, ये सब कुछ एक फोटो में सेट करने मिलता है। और ये करने के बाद आप खुद यहां पर देखिए बिफोर और आफ्टर, पहले कैसा था और बाद में ये फोटो कैसा हो गया। तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल तरीके से अपने फोटोज को निखार सकते हैं। ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, ये तो क्या हो गया, पहले मरा हुआ था, अभी इसमें जान आ गई है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं जिसके साथ आप जाके छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये ऐप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन आपको नहीं पता था। जाइए अभी इंस्टॉल करिए और अपने फोटोज को एकदम प्रोफेशनल बनाइए। उसके बाद दोस्तों आता है मोशन लीप। नाम से ये डिफाइन करता है कि ये क्या करता है कि आपके जो स्टिल फोटोज होते हैं उनमें थोड़ा एनिमेशन यहां पर ऐड करता है। इनफैक्ट मतलब ये फोटोज को हल्का वीडियो में यहां पर कन्वर्ट कर लेता है। हालांकि इसमें प्रो वर्जन भी है, आपको अंदर अगर जिफ इमेज में कन्वर्ट करना है और कुछ थोड़े प्रो फीचर्स यूज करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। इसमें दोस्तों आप कोई भी स्टिल फोटो होता है, आप नीचे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, पाथ मिलता है। इसके थ्रू दोस्तों आप खाली बस लाइन ड्रॉ करिए, कहाँ कहाँ आपको एनिमेशन चाहिए वो आपको वहां पर करके देगा। स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, किसको एनिमेट करवाना है किसको नहीं करवाना है। और उसी के साथ जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि कितना लंबा आपको वीडियो चाहिए, कितने एनिमेशन चाहिए, और साथ में क्वालिटी भी आपको फुल एचडी तक यहां पर मिल जाती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है जहां पर आपके स्टिल फोटोज को थोड़ा एनिमेट करवा देता है, वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। और थोड़ा बहुत अगर आप ऐसे टाइप के फोटोज को वीडियोस में कन्वर्ट करके करके अगर यहां वहां अपलोड करते तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो मोशन लीप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है जिसमें भी आप जाके बहुत सारे काम अच्छे कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों फोटो एडिटर प्रो। इसको प्ले स्टोर में मिलियंस ऑफ लोगों ने डाउनलोड तो किया है लेकिन साथ में इसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग से 4.8, मैंने ऐसे बहुत कम एप्स देखा हूं जिनमें इतनी हाईएस्ट रेटिंग से। अब इसकी वजह इसलिए क्योंकि इसमें आपको सब कुछ क्लीन मिलता है, हालांकि इसमें प्रो वर्जन भी है लेकिन मुझे लगता नहीं वहां जाने की जरूरत है, फ्री में भी बहुत काम हो जाता है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के, थोड़े और प्रोफेशनल लगते हैं। मैंने जब भी अप्लाई किया था मुझे थोड़ा बेटर लगा था अगर मैंने दूसरे ऐप से कंपेयर किया। साथ में आपको अगर ब्लर करना है वो आप सेट कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह करना है वो कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको कुछ ऑब्जेक्ट भी निकालना है फोटोज में से वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। और भी उसके अलावा दोस्तों काफी सारे कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं, कटआउट है, मिरर है, ये वो, कोलैज वगैरह करना है, मल्टीपल इमेजेस लगाना है वो भी आप कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें करने को मिलती है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लीन है। जाइए इसको भी इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। उसके बाद आता है Adobe Lightroom। इसके बारे में तो आपने सुना ही रहेगा, एक बहुत ही एडवांस प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग आपको ऐप मिलता है। और ये ऐप मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं, हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए आपको प्रो होना पड़ेगा, इसलिए मुझे ये ऐप पसंद नहीं आया, लेकिन फ्री में भी काफी सारे एडवांस चीजें आप कर सकते हैं। एक तो सबसे बढ़िया चीज ये कि जब भी आप फोटोज इसमें अपलोड करते हैं इसका ऑटो वाला फीचर मुझे बहुत कमाल का लगता है। इसका AI इतना पावरफुल है कि जैसे आप फोटो डालते हैं और ऑटो पे टैप करते हैं ये फोटो को ऐसे एनहांस करता है कि ऑनेस्टली कहूं उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे एडिट करना पड़े, सीरियसली। इसीलिए मैं आपको यह ऐप रेकमेंड करता हूं, इसका AI बड़ा मजबूत है। उसी के साथ मल्टीपल आपको प्रोफाइल्स मिलते हैं, आप उनको अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हैं, और उसी के साथ आपको बहुत सारे और भी एडवांस फीचर्स मिलते हैं। और ये थोड़ा बहुत ही अलग लेवल का है जितने भी एप्स बताया उनके अगर मुकाबले में कहूं, तो एक अलग ही तरीके की चीज आपको इसमें मिलती है। तो आप जाइए इसको भी चेकआउट करिए, ये भी बहुत ही कमाल का ऐप है। फाइनल जो ऐप है, मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये लेजेंडरी ऐप है।
ये मैं खुद भी 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मुझे जरूरत पड़ जाती है इसकी। मैं बात कर रहा हूँ पिक्सआर्ट की, आपने तो सुना ही रहेगा। ये क्लासिक और इसमें इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स आते हैं, इतने कमाल के फिल्टर से आपको मतलब इतने बेहतरीन तरीके से इसमें एडिट करने मिलेगा। इनफैक्ट इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पर्टिकुलर सोशल मीडिया के एस्पेक्ट रेशियोज सेट करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर थंबनेल्स अपलोड करना है, वो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। और पहले मैं जब यूट्यूब में नया नया था, मैं इसी से अपने थंबनेल बनाकर इसी से मैं सेट करता था, इसलिए मैं इसे ऐप को बोला नहीं हूँ और अपने फ़ोन में रखा हो, मैंने अनइंस्टॉल उसी वजह से नहीं किया हो क्योंकि मेरी मेमरीज है। दोस्तों इस ऐप में जितने भी ऐप्स आपको बताया ना, सबको एक साथ जोड़ के इसमें डाल दो क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं और इसमें प्रो वर्जन भी है, लेकिन आई थिंक फ्री में आपका सारा काम हो जाएगा। इतने सारे फीचर्स है कि आप थक जाएंगे, और ये फ़ोन में रहना ही चाहिए। अगर फोटो एडिटिंग करना है तो पिक्सआर्ट तो रहना ही चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। तो ये दोस्तों वो 5 कमाल के फ्री प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग ऐप्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे तो हजारों लाखों हो गए, लेकिन इनसे आपका काम हो जाएगा और आप अपने नॉर्मल फोटोज को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं कंप्लीटली फ्री। सारे ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जो चाहे करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।